डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि गणना को लेकर भाजपा की दो तरह की चिंताएं हैं, जिसे मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया है। पहला, ऐसा न हो कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को नागरिकता लेने का ऋण आवरण न मिल जाए, इसका ध्यान बिहार सरकार को रखना होगा। दूसरा, सीमांचल इलाके में पिछड़ों को मिलने वाले 27 आरक्षण की हकमारी होने की संभावना भी है। एक उदाहरण है कि कैसे मुस्लिम में स्वर्ण जाति शेख में आने वाले पूर्व मंत्री कुल्हड़िया जाति में घुसकर ओवैसी का लाभ लिया। देखकर कांरा रही होगी जेपी की आत्मा। डॉक्टर जायसवाल ने राजद पर संपूर्ण क्रांति और जयप्रकाश नारायण को लेकर भी सियासी हमला बोला। उन्होंने कहा कि जेपी ने परिवारवाद, भ्रष्टाचार के खिलाफ और शिक्षा क्रांति को लेकर नारा दिया, मगर आज जेपी के सिद्धांतों को विपरीत एक पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्हें देश के सबसे बड़े घोटाला में सजा मिल चुका है, के भ्रष्टाचार के आरोपी पुत्र जेपी की तस्वीर के साथ अपनी तस्वीर लगा रहे हैं, जिनके ऊपर से नीचे तक परिवारवाद है, वह जेपी की तस्वीर लगाएं, यह शोभा नहीं देता। यह देखकर जेपी की आत्मा कराह रही होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया।